हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एग्जाम्पल के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और एक और एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल के थ्रू कुछ रिजल्ट्स भी मैं वेरीफाई कर दूंगा। तो जो अगला एग्जाम्पल होगा सेम वही फाइंड क्वेश्चन जो आपका है फाइंड लिमिट इन्फीरियर एफ एन एंड लिमिट सुपीरियर एफ एन वेयर वेयर जो सीक्वेंस एफ एन मैं ले रहा हूं वह है क्या माइनस वन टू टू द पावर एन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। ठीक है ना। सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब मैं जो सीक्वेंस ले रहा हूं उसका nth टर्म क्या है माइनस वन टू टू द पावर या माइनस वन रेस टू द पावर एन। चलिए अब इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। और जब मैं सोल्यूशन की बात करता हूं तो यहां पे ध्यान रखिए, यहां पे आपको जो चीजें ध्यान देनी है, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल्स में किया, इन्फिमम लिमिट इन्फिमम और लिमिट सुप्रीमम के लिए या लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसको आप अप्लाई करेंगे। तो वन बाय वन हम करते हैं। अब क्योंकि अब चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो फॉर लिमिट इन्फीरियर एफ एन ना, लिमिट इन्फीरियर के लिए क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया ए वन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा सेट बनाते थे एफ वन एफ टू एफ थ्री, ठीक है, एफ थ्री डॉट 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 ऐसे, ठीक। अब ध्यान दीजिए इसका क्या करते थे हम, लिमिट इंफीरियर में याद करिए हम पहले इस सेट का इन्फीमम लेते थे। चलिए इन्फीमम ऑफ एफ वन क्या होगा, एन इज इक्वल टू वन रखेंगे, ये सीक्वेंस ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, टू रखेंगे वन, थ्री रखेंगे माइनस वन, फोर रखेंगे वन, तो इवन वाले वन और ऑड नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का एलिमेंट माइनस वन, ठीक है। चलिए अब यहां पे वही चीजें कि लिमिटिंग केस भी आपको देखना है, तो ये तो बहुत क्लियर है ऑलरेडी, सीक्वेंस का पैटर्न पूरा पता है, इसके एलिमेंट्स या तो माइनस वन होंगे या तो वन होंगे। अब ध्यान दीजिएगा इन्फीमम निकालना है, तो माइनस वन वन माइनस वन वन, तो ये तो बहुत इजी हो गया, जो इन्फीमम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस वन। उसी तरीके से जब ए टू करेंगे वो भी इन्फीमम, एफ टू एफ थ्री ऐसे जाते हैं, आपको पता है डायरेक्ट में कर दूं, इन्फीमम क्या हो जाएगा एफ टू से, मतलब वन माइनस वन फिर वन माइनस वन, यही रिपीट करेगा इन्फीमम अगेन माइनस वन एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब इसमें देखिए जब ए इंफिनिटी आप निकालेंगे यहां पे, जो जिसे मैं बोला था आपको, अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो लिमिटिंग केस है, तो ऑब्वियस ही बात है जब ये करते हैं और ए इंफिनिटी निकालेंगे तो यहां पे एलिमेंट्स माइनस वन और वन, ठीक है ना, तो इवन के करेस्पॉन्डिंग वन और नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा माइनस वन। तो अगेन उस केस में जब जाएंगे तो जब लिमिटिंग केस करते हैं तो आप लिमिट ऐसे फंक्शंस का भी निकाले हैं, दो लिमिट्स आया करते थे अगर ऐसे देखेंगे, क्या अगर ऐसे में बोलूं लिमिट पॉइंट्स की अगर मैं बात बोलूं तो यहाँ पे माइनस वन और वन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे केसेस बने ना जहां पे पैटर्न फ्लक्चुएटिंग हो, जैसे माइनस वन वन माइनस वन और वन, तो दोनों केस आप कंसीडर करते हैं ए इंफिनिटी में और निकाल क्या रहे हैं आप इन्फीमम, तो माइनस वन और वन को कंसीडर जब एक साथ करेंगे तो इन्फीमम आप क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस वन, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे केसेस में जब लिमिट निकालने की बात होती है तो आप तो पूरी मतलब किए ही हैं कि यहाँ पे दोनों केसेस लेंगे माइनस वन और वन, और उसमें से क्या निकालना है आपको इन्फीमम निकालना है तो माइनस वन, और अगर यही पे सुप्रीमम निकालना होता तो ए इंफिनिटी के आ जाता वन आता, समझा पाया कि नहीं। दोनों केसेस ना लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, तो जब एन इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो पैटर्न वही है माइनस वन और वन माइनस वन और वन, तो आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पे इन्फिमम निकालना है, तो इन्फिमम माइनस वन। अगर यही पे सुप्रीमम होता जैसे हम लोग लिमिट सुपीरियर करेंगे तो वहां पे फिर ए इंफिनिटी मेरा क्या हो जाएगा वन, क्यों, क्योंकि वहां पे सुप्रीमम लेना होता, यहाँ पे इन्फीमम तो माइनस वन और वन का इन्फीमम मतलब इनमें छोटा कौन सा है वो माइनस वन। मैं समझा पाया कि नहीं, तो ये चीजें एग्जाम में लिखते नहीं लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाए। अब चलिए
जब लिमिट इंफीरियर एफ एन आपको निकालना है तो अब क्या होता है, इन सेट्स का सुप्रीमम ना, याद करिए डेफिनेशन में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे ध्यान दीजिए, ये देखिए सुप्रीमम आप निकालते हैं, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीमम ऑफ कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू डॉट डॉट डॉट, तो ऑब्वियसली बात है अब इसमें हर एक टर्म जो है माइनस वन माइनस वन माइनस वन ही आएगा, तो माइनस वन माइनस वन अगर आप लिखेंगे तो अल्टीमेट उसका सुप्रीमम भी क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो हमने क्या देखा कि लिमिट इंफीरियर जो है इस सीक्वेंस का वो मेरा क्या आया फ्रेंड्स, माइनस वन। अब आपको लिमिट सुपीरियर निकालना है, हमने लिमिट इंफीरियर निकाला है ध्यान दीजिएगा, अब लिमिट सुपीरियर आप निकाल लीजिए। तो फॉर लिमिट सुपीरियर एफ एन इसको निकालते हैं, सेम वही रूल, बी वन क्या हो जाएगा, यहां पे सुप्रीमम लेते थे तो सुप्रीमम एफ वन एफ टू और इस तरह से ऊपर सब कुछ पैटर्न लिखा हुआ ही है आपका, तो इसमें सुप्रीमम क्या हो जाएगा, वन सेट की सुप्रीमम वैल्यू। उसी तरीके से बी टू सेम वही स्टार्ट करेंगे सुप्रीमम सेकेंड एलिमेंट से, तो वन फिर माइनस वन फिर वन फिर माइनस वन डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा अल्टीमेट वन। So, इस तरीके से आप करते जाएंगे और पी इंफिनिटी जो निकालेंगे सेम अभी देखिए ऊपर जो लॉजिक बताया था, तो यहाँ पे सुप्रीमम आपको निकालना है ना, तो ये वन हो जाएगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, लिखते नहीं है पी इंफिनिटी, बस डॉट डॉट कर देते हैं बुक्स में, लेकिन आपको ऐसे समझना है मैं आपको बता। तो यहाँ से लिमिट सुप्रीमम क्या हो जाएगा, या लिमिट सुपीरियर वो आपका हो जाएगा इन्फीमम ऑफ द सेट्स बी वन बी टू इस तरीके से। तो ऑब्वियस ही बात है सारे देखिए वन 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 आएंगे तो इनका सुप्रीमम जो है। सो यहां पे आप देखिए दो एग्जांपल्स मैंने जानबूझ के किए, एक एग्जांपल में लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर दोनों सेम थे जीरो पहला एग्जांपल में, यहां पे इस एग्जांपल में आपने देखा कि लिमिट इंफीरियर मेरी क्या है वो वन है माइनस वन है लिमिट इंफीरियर, और लिमिट सुपीरियर क्या है ये वन है, मतलब ये दोनों डिफरेंट हो जाती है, लिमिट इंफीरियर माइनस वन लिमिट सुपीरियर प्लस वन, क्लियर, लेकिन एग्जिस्ट कर रही हैं और यूनिक भी हैं, ठीक है ना, जो मैंने रिजल्ट लिखा था वो वेरीफाइड है। अब यही से एक थ्योरम है, इसका प्रूफ तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि जनरली ये एग्जाम्स में नहीं पूछते, मैं अगर होम एग्जाम्स की बात करूं, और खैर नेट गेट जैम के लिए तो खैर आपको कॉन्सेप्ट तो इसको एज अ रिजल्ट आप यूज करेंगे, ये थ्योरम जो है मैं लिख रहा हूं और एग्जाम्पल ये जो मैंने किया ना उससे वेरीफाई करता हूं। सो इफ मेरा जो सीक्वेंस है, मैंने एक सीक्वेंस लिया अभी जो नोटेशन यूज कर रहे हैं, सो इफ एफ एन इज एनी सीक्वेंस, ध्यान दीजिए ये अगर मैं बोलता हूं कि कोई सीक्वेंस है मतलब ये किसी भी सीक्वेंस के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, देन उस सीक्वेंस का इन्फीमम और सुप्रीमम और लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर के बीच में रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए उस सीक्वेंस का इन्फीमम, ये देखिए इन्फीमम किसको बोलते थे याद करिए, मैंने बताया था जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उस सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा उस सीक्वेंस के लिमिट इंफीरियर से, ये याद रखिएगा, और उस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर जो है लिमिट इंफीरियर से हमेशा लेस देन और इक्वल सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, तो लिमिट सुपीरियर हो गया यहाँ पे और लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम, ये रिजल्ट दिमाग में बिठा लीजिए फ्रेंड्स, प्रूफ कर देखना होगा बुक्स में आप जाके प्रूफ देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट क्या है इसको समझिए, ये बोलता क्या कि मैं कोई भी सीक्वेंस लूं उस सीक्वेंस का इन्फीमम मतलब जीएलबी हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होगा उस सीक्वेंस के लिमिट इन्फीमम से, और लिमिट इन्फीमम हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होगा लिमिट सुप्रीमम से, और लिमिट सुप्रीमम या लिमिट सुपीरियर ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू होगा उस सीक्वेंस के सुप्रीमम, और सुप्रीमम को आप क्या बोलते थे एलयूबीसी स्टफर बाउंड, नीचे को अब यहां पे इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैंने रिजल्ट लिखा इसी एग्जांपल से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये सीक्वेंस का मैंने जो सीक्वेंस लिखा था इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसका जीएलबी या इन्फीमम हमने निकाला था, जीएलबी इस सीक्वेंस का क्या निकाला था माइनस वन, और ये देखिए ये इक्वल है, लिमिट इंफीरियर आपने क्या निकाला अभी इस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर निकाला आपने माइनस वन, तो ये लिमिट इंफीरियर के इक्वल है, ठीक है ना, और ये स्ट्रिक्टली लेस है
लिमिट सुपीरियर के, लिमिट सुपीरियर आपने क्या निकाला, वन, तो देखिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है यहाँ पे, और लिमिट इस सीक्वेंस का सुप्रीमम मतलब एलयूबी भी हम निकाल के देखे थे, और ये क्या था, एलयूबी में लिख दो या सुप्रीमम भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एलयूबी, एलयूबी मतलब ये सुप्रीमम, ये दोनों क्या थे, वन थे ना, ये दोनों वन, ये तो निकाला ही आपने वन, और ये ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड, इस सीक्वेंस का मैं निकाल के बताया था, आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो। तो देखिए यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है वो आपका वेरीफाइड है, ठीक है ना। सो होपफुली ये मेरा एफोर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। तो फिर से एक और एग्जाम्पल मैं कोशिश करूंगा करने का, और उसके बाद कुछ रिजल्ट से उनको वेरीफाई करने का। तो ये तरीका है, अब मेरे ख्याल से किसी भी सीक्वेंस का इनफीमम सॉरी लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर आप निकाल लेंगे, और ये रिजल्ट हमेशा याद रखिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ चीजें कभी कभी क्लियर हो जाती है। जैसे आपके एग्जाम में अगर कोई सीक्वेंस देगा और वहां पे दे देता है कि इसका लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर निकालिए, तो एक टेंटेटिव आइडिया होता है, आप उस सीक्वेंस के एलिमेंट्स को लिखिए, वहां से जीएलबी निकालिए, बीबी निकालिए, इन्हीं के बीच में आते हैं ये दोनों, तो वहां से ऑप्शंस में ऑप्शंस को आप कट कर सकते हैं, थोड़ी सी सुविधा होती है। हम जैम नेट के क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में। तो ये रिजल्ट जो है एज द थ्योरम जो मैंने लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप देखें समझें, कुछ और रिजल्ट्स हैं उनको मैं बाद में करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।